भारत आते जहाज पर एक तरफ हमला, फिर भारत के साथ मीटिंग। जी हम बात कर रहे हैं भारत ईरान की बैठक की, क्योंकि इस बैठक के मायने इसलिए भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि कल ही भारत की तरफ आ रहे एक इजरायली जहाज पर ईरान के ड्रोन ने हमला किया और अब ईरान के साथ भारत बड़ी बैठक कर रहा है। भारत ईरान के बीच हुई ये बैठक बेहद खास है। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात बेहद खास है क्योंकि भारत आ रहे जहाज पर हमले के बाद भारत और ईरान की बैठक अब पूरी दुनिया के लिए सबसे केंद्र में है। भारत और ईरान की बैठक के दौरान द्विपक्षीय मुद्दे, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के अलावा चाबहार पोर्ट को लेकर भी बातचीत हुई है। दोनों ही देशों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की है और अपने सहयोग को आगे और बढ़ाने की बात की है। इसके अलावा भारत की मुलाकात हुई ईरान के डेप्यूटी विदेश मंत्री से भी, वहाँ भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है कि भारत और ईरान के बीच में बैठक हुई है। ये बैठक तेहरान में हुई है जहां पर दोनों ही देशों के अधिकारियों ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दे, ट्रेड और इकोनॉमी, इसके अलावा कल्चरल, लोगों से लोगों के बीच संबंध, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और चाबहार पोर्ट को लेकर बातचीत हुई है। इस दौरान एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी ईरान की भारत के साथ बातचीत हुई है। अब इस मुद्दे के अलावा जो पूरे क्षेत्र में चल रहा है और पूरी दुनिया में चल रहा है, उसको लेकर भी भारत और ईरान के बीच में बात हुई है। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के विदेश सचिव के साथ उन तमाम मुद्दों को उठाया है जिसको लेकर इस वक्त ईरान मजबूती से खड़ा है। साफ है कि इस दौरान इसराइल का मुद्दा उठा होगा, गाजा का मुद्दा उठा होगा और इन तमाम मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत हुई है। लेकिन भारत इन सब के बीच सबसे अहम मुद्दा ये उठा रहा होगा कि भारत की तरफ आ रहे उन तमाम जहाजों को, खासकर कार्गो जहाजों को एक सुरक्षित पैसेज ईरान दे, क्योंकि ये दूसरी घटना है जब इसराइल के स्वामित्व वाले जहाज पर ईरान के आसपास ही हमला हो जाता है। लेकिन जो दूसरा हमला है उसकी खास बात ये है कि ये हिंद महासागर में हुआ है और इससे पहले वाला हमला हुती विद्रोहियों ने किया था जो कि ईरान के पास वाले क्षेत्र में किया गया था। अब भारत जो है अपने मित्र देशों या फिर भारत आ रहे उन तमाम कार्गो शिप्स की सुरक्षा को लेकर इन तमाम रीजनल प्लेयर्स के साथ मुलाकात कर रहा है और इस 18वीं FOC की बैठक में तेहरान में भारत ने ईरान के साथ इस मुद्दे पर भी बातचीत की है। आपको बता दें कि इस वक्त ईरान जो है इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और ईरान उन तमाम विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है जो इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारत के साथ ईरान के संबंध अच्छे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि भारत इस पूरे मसले को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।